हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो आज का वीडियो है फेशियल के ऊपर। कल का वीडियो आप सब लोग ने देखा, तो वो वीडियो था कुछ जानकारी एज के लिए, एज फेशियल करने के पहले का एज का कुछ जानकारी, कौन कौन एज में कौन कौन कैसे कैसे होता है, ये सब था। तो वो आप लोगों ने देखा। आज का जो टॉपिक है वो है फेशियल के ऊपर, बट आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि फेशियल करने के टाइम क्या क्या चीज का जरूरत है, ये आपके साथ आज शेयर करूंगी। आज का क्लास यही होगा कि कौन सा चीज लगेगा फेशियल करने के टाइम। सो गाइस, जो नए अभी ये चैनल देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आप लोग जो नए देख रहे हैं वो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूँ अंजलि और ये चैनल है अंजलिस टच। सो क्या क्या लगेगा, मतलब जानकारी क्या क्या होना चाहिए वो तो पहले मैं बोली कि स्किन टाइप आपको जानना है, कि क्लाइंट का स्किन टाइप कौन सा है वो आपको जानना है, और फिर एज भी जानना है, एज के हिसाब से आपको फेशियल या क्रीम चूज करना है, ये भी हो गया है। तो आज आइए कौन कौन चीज लगेगा फेशियल करने के टाइम। सो एज हो गया है और स्किन टाइप हो गया है, अभी क्रीम लेके आपको फेशियल शुरू करना है। तो पहले देखिए, जब क्लाइंट आएगा आपके पास, आप उसको बोले कि वो सिर्फ नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से फेस को वॉश कर ले। सो फेशियल करने से पहले जो जो जानकारी है, मतलब एज आपको जानना है, एज के बारे में जानना है और स्किन टाइप के बारे में जानना है, वो तो मैं पिछले वीडियो में बोला, वो हो गया है। अभी कौन कौन चीज जरूरत है फेशियल शुरू करने के टाइम। चलिए मान लीजिए अभी आप फेशियल शुरू कर रहे हैं, आपके पास कौन कौन चीज होना चाहिए फेशियल करने के लिए। सो आप लोग नोट कीजिए, मैं बोल रही हूँ क्या क्या जरूरी चीज लगेगा। पहले कॉटन लगेगा, टॉवल लगेगा, एक बैंड लगेगा, क्रीम लगेगा जिससे आप फेशियल करने वाली है वो लगे, क्रीम और टॉवल, क्रीम, बोल लगेगा, मतलब आप कांच का बोल भी ले सकते हैं या प्लास्टिक का बोल भी ले सकते हैं, उसमें आप आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, मतलब जो बोल आप लेंगे तो उससे उस पे आपको पानी डालना है कि फेशियल करने के टाइम पानी का जरूरत होगा। पानी के साथ आप आइस क्यूब भी लगा सकते हैं, और उसके बाद आपको लगेगा वो स्टीमर। स्टीमर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग ये कर सकते हैं कि पानी को गर्म करके, हल्का सा गर्म करके, वो जो टॉवल या आप जो टिश्यू पेपर, मैं टिश्यू पेपर के बारे में बोलती हूँ, टिश्यू पेपर भी लगेगा वो नोट कीजिए, टिश्यू पेपर को वेट करके आप स्टीम दे सकते हैं। तो टिश्यू पेपर लगेगा, वाटर और आइस क्यूब बोला, और क्या चीज, टिश्यू पेपर तो लगेगा ही, ये चीज, हाँ ठीक है। तो ये चीज आपको रखना है आपके पास, जो पार्लर ओपन कर रहे हैं वो भी, उसको भी ये लगेगा, और जिसका ऑलरेडी पार्लर है, मैं उसके लिए क्लास नहीं कर रही हूँ, ये क्लास बिगिनर के लिए है ये क्लास। तो आपके पास ये सब चीज होना चाहिए। आप पहले आप घर पे भी शुरू कर सकते हैं ये जो पार्लर का काम, आपको आपका पार्लर खोलने का इतना बजट नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो चीज मैं बोला ये आपको घर पे अवेलेबल होगा, और वो मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी थोड़ा एक वीडियो में, कैसे पार्लर खोलना चाहिए, पार्लर छोटा सा पार्लर करने के लिए क्या क्या चीज जरूरत है, कैसे कैसे कितना कितना चीज आपको लगेगा, ये सब मैं बाद में बोलूंगी और एक वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है उसमें ये सब लगेगा। तो फेशियल शुरू करने से पहले ये सब चीज आपके पास जरूर होना चाहिए।
जो क्लियर है, फिर से मैं एक बार बोलती हूँ क्या क्या चीज जरूरत है ये फेशियल करने के पहले आपको क्या क्या चीज लेना है, ठीक है। मैं फिर एक बार बोलती हूँ, आप लोग जो मिस हो गया है उसको फिर आप नोट कीजिए। सो पहले कॉटन क्लींजिंग मिल्क ग्लास या फिर आप प्लास्टिक की भी ले सकते हैं, बोल लगेगा, और टॉवल, बैंड और क्रीम, जिस क्रीम से आप मसाज करेंगे वो क्रीम और टॉवल तो मैं बोला, और स्टीमर लगेगा, जिसके पास स्टीमर नहीं है वो पानी को हल्का सा गर्म करके उसके साथ टॉवल मिला के आप स्टीम दे सकते हैं, टॉवल को थोड़ा सा वेट करके स्टीम दे सकते हैं। टिश्यू पेपर लगेगा, और टिश्यू पेपर से भी आप कर सकते हैं, टिश्यू पेपर लगेगा। और ये चीज सब कुछ हो गया है और फिर रेडी आप फेशियल करने के लिए। शो नोट कर लिया आप लोगों ने, ये सब चीज लगेगा फेशियल करने के टाइम। ओके, सो आज के लिए इतना ही, कल वीडियो फिर आएगा फेशियल के ऊपर कुछ और भी जानकारी। सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नए हैं, जो अभी देख रहे हैं मुझे, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे और जाते रहे, टंग करके घंटी बजते रहे और आप मेरा वीडियो देख सकते हैं इसीलिए। ओके, तो बाय, टेक केयर, आप खुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। बाय, लव यू।